तो जय श्री कृष्ण के क्यू एंड ए सीरीज आगे चल रही है, प्रश्न उत्तर। वी कैन कंटिन्यू जितनी आपकी जैसी इच्छा हो, जहाँ तक बन पाए। एंड एट सम पॉइंट व्हाट वी कैन डू इज आल्सो कम बैक टू रिमेंबर छठे अध्याय के आखिरी दो श्लोक बचे थे, और वो दो श्लोक में क्लाइमैक्स है बिल्कुल सिक्स चैप्टर का। सो इफ नॉट दिस सेशन, मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वी कैन मे बी मिक्स एंड मैच सम क्वेश्चन सम श्लोक, ऐसा कुछ करके, so that we can finish what we started, grand start the sixth chapter, we can have a grand finish also, and then of course at some point I like to do dhyan as well, so but I'm liking this format. So aaj ka prashn hai, what is atma, if I'm remembering correctly, why is it that we say this person is a very good, has a very good soul, or is a very good soul, aisa hi kuch tha na prashn, कि आत्मा क्या होती है और ऐसा हम लोग फिर क्यों कहते हैं। लेकिन मे बी आई कैन जस्ट रीड इट एग्जैक्टली वर्बटिम। व्हाट इज आत्मा, इफ वी कैन नॉट सी आत्मा सोल देन व्हाई पीपल से दैट दिस पर्सन हैज अ वेरी गुड सोल। सो इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, वी कैन टेक सम सब क्वेश्चंस अलोंग द वे इफ नीडेड। तो to be honest, where to begin is the question, but let's start somewhere. What is Atma? Atma is the most fundamental unit of life. Aisa samjhe, ekdam jeevan, life drawn, jaise ki jeevan ka sabse prathamik, primary, mool, source ka jo ingredient hai, jisse sara jeevan bana hai, in other words. What is Atma? That substance with which anything and everything is made, created. जैसे विज्ञान में अगर हम जाते हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में एटम सुना होगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, और उसका वर्णन ऐसा है कि everything is made from atoms. तो एटम्स अलग अलग नहीं होते कि लोहे का एटम अलग है, पानी का एटम अलग है, लकड़े का एटम अलग है, सीमेंट का एटम अलग है. एटम इज़ द बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रिएशन. और उसमें तीन बातें होती है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ये भी हमने सुना है, न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं. ऐसे ही, और उसको फिर जिस प्रकार से अरेंज किया गया उसके अराउंड, उसके अनुसार अलग अलग पदार्थ बनते हैं. डिपेंडिंग ऑन हाउ टाइटली दे आर पैक्ड, सॉलिड बनेगा, थोड़ा ढीला ढीला पैक किया तो लिक्विड बनेगा, और ढीला पैक किया तो गैस बनेगा. उसका रंग कैसा आएगा, चमकेगा कैसे, डिपेंड ऑन किस एंगल से उसको रखा गया है, जो प्रकृति ने बनाया, सृष्टि में बनाया. लेकिन आत्मा, एटम रादर, देखो साम्यता है, एटीओएम, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज ऑफ मटेरियल यूनिट, भौतिक जो जीवन है, जो वस्तुएं है, ऑब्जेक्ट्स है, इसका मोस्ट बेसिक सब्सटेंस इज एटम. और जीवन जो भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, मटेरियल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्पिरिचुअल है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसका बेसिक यूनिट है आत्मा. तो जैसे उसी एक ही प्रकार के एटम से सारी वस्तुएं प्रकृति में बनती है, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा भी उसी से बना है, बिलीव इट और नॉट, सूर्य भी उसी से बना है. फिजिकल जो सूर्य देखते, दूर दूर के तारे, आकाश गंगा है, ये तो विज्ञान में कहते हैं वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट. हमारा शरीर जिस पदार्थ से बना है, उसी पदार्थ से तारे चंद्र भी बने हैं अलग अलग मात्रा में, क्योंकि बेसिक सब्सटेंस इज द सेम. ऐसे ही जीवन जो हमारा है, वही जीवन सबका है, सेम, इट्स द सेम सब्सटेंस. सो दैट इज इट्स व्हाट इज आत्मा का उत्तर अनेक प्रकार से दिया जा सकता है. तो मैं प्रयास करता हूँ दो तीन प्रकार से कम कहे, और फिर उसमें से धीरे धीरे खुलासा होगा कि why do we say that this person has a very good soul? The second question hai, wo aisa nahi hota. Essentially, the answer to that is not true. That this person has a very good soul, this person has a very bad soul, or this person has a mixed soul, aisa nahi hota. This person has a soul. Aisa agar jeevit hai, alive hai, toh this person has a soul. Aur agar jeevit nahi hai, toh this person does not have a soul. The person is good or bad or not. The soul is not. So we will go towards that. Lekin pehle fir se coming back to what is Atma. It thoda agar technical fit ho jaye dimag mein.
समझ जाए तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर एक एक झटके में एक साथ मिलने लगते हैं। इस पर अगर हम मेडिटेट कर पाए, इसको अगर प्रोसेस कर पाए इंटरनली, कि हम स्वभाव में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इन अदर वर्ड हम जो है, ये जीतू भाई जिस में जो जीवन शक्ति है जिससे ये बात कर पा रहा है, देख पा रहा है, और वो अनु दीदी में जो जीवन शक्ति है जिससे वो सुन पा रही है, समझ पा रही है, और आप लोगों में, ये अलग अलग नहीं है, अलग प्रकार के नहीं है, एक ही है, सेम यूनिट है। जैसे कई बार कहा था है ना, समुद्र में अलग अलग लहरों में, ऐसी बात नहीं कि किसी दूसरे समुद्र का जल है, कोई दूसरी लहर जो है ये अलग अलग नहीं, उनमें सबों में जल रूप से एक ही जल है। कभी ये लहर बनी, कभी वो लहर बनी, वही जल आगे चल के बड़ी लहर बने, वही जल आगे चल के छोटी लहर बना, वही जल आगे बन के लहर ही नहीं है, शांत समुद्र है, वही जल आगे चल के एकदम नीचे चला गया, गहरे तो एकदम शांत तले पे बैठा है। इट्स द सेम सब्सटेंस, द सी वाटर, द ओशन वाटर इज द सेम सब्सटेंस इन एवरी सिंगल वेव। जैसे हमारे सपने में सब पात्रों में सुपात्र है, कुपात्र है, ड्रीम कैरेक्टर्स में गुंडे भी आ जाते हैं सपने में, डरावने भी आ जाते हैं, नुकसान करने वाले, अन्याय करने वाले भी, और अच्छे साथ संगत वाले भी आ जाते हैं, लेकिन सबों में एक ही देखने वाला वही है। तो वो स्वप्न पात्र अच्छा है, ये स्वप्न पात्र बुरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा जो है उसमें, सपना देखने वाला जो है वो अच्छा है वो बुरा है, वो तो पावर दे रहा है, खाली शक्ति दे रहा है। फिर ये सोचना चाहिए कि फिर गड़बड़ कैसे होती है, अच्छा बुरा है कौन? फिर अच्छा बुरा तो दिखता है, अच्छा बुरा लगता तो है, फिर अच्छा बुरा है कौन और अच्छा बुरा होता कैसे है, क्यों होता है ना? That is a question that you have not asked, but that is right next, logically that is the next step in the question. Then how come we do think this is a good person and this is not a good person? First, again, coming back to Atma, baat samajhni ye hai that it is the fundamental substance. Aur jaise physical atom mein teen baatein hain, protons, neutrons, electrons, vastav mein unke bheetar bhi aur detail mein hain chote chote, ऐसे ही जीवन का जो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब पहला जो इंग्रेडिएंट है जिससे सब बना है, जो हर समय है, उसमें भी तीन इंग्रेडिएंट्स है। जैसे ये फिजिकल एटम तीन से बना है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो तीन को मिला करके एटम है और कुछ नहीं है, बाकी खाली जगह है उसमें, एम्प्टी स्पेस एटम है। ऐसे ही स्पिरिचुअल एटम इज कॉल्ड आत्मा, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ थ्री थिंग्स, थ्री इंग्रेडिएंट, सत, चित्त और आनंद। ये वस्तुएं नहीं है, फिजिकल जो वस्तु है वो फिजिकल है, मतलब उसको स्पर्श कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इधर अलमारी में रख सकते हैं, बाहर निकाल के फेंक दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिजिकल है। इसलिए वो जिससे बना है वो भी फिजिकल है, प्रोटॉन्स आर फिजिकल, न्यूट्रॉन्स आर फिजिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिजिकल, उनकी गति होती है, उनका वेट, वजन होता है उनका, उनका आकार साइज होता है, लेकिन क्योंकि आत्मा फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है, तो वो जिससे बना है तीन गुण जो है सत, चित, आनंद, वो भी फिजिकल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, फिजिकल नहीं है मतलब जड़ नहीं है, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको उठा नहीं सकते। इसलिए जैसे आपके प्रश्न में है, उसको वी कैन नॉट सी द आत्मा, उसको देख नहीं सकते, कि आँखें उसी को देख सकती है जिस पर प्रकाश पड़े और वो फिर चमके, है ना? आंखें देखती कैसे है, जिस किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा वो चमक के जब हमारे आंखों में आया, वो प्रकाश हम देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अच्छा ये वस्तु दिख रही है। इधर नजर करी तो उस वस्तु पर पड़ा हुआ प्रकाश चमक के हमारे आंखों में आ रहा है, तो कहते अच्छा वो वस्तु दिखाई दे रही है। अंधेरे में वस्तु की उधर है वही पड़ी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा जो चमक के मेरी आंखों तक आए, इसलिए बड़े वो उधर ही पड़ी है, पता नहीं है भी नहीं। तो वस्तु पे प्रकाश पड़े और फिर वो चमके मेरे आंखों में आए, तब मैं देख पाऊँ, ये वस्तु है ही नहीं आत्मा। और प्रकाश जो हमारा प्रकाश है, सृष्टि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वो भी फिजिकल है, वो भी पदार्थ है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों से बना हुआ है, फोटॉन्स नाम के टुकड़े होते हैं, प्रकाश किरण, प्रकाश कण जिसे कहते हैं, फोटॉन्स, छोटे 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 माइनर प्रकाश कणों की धारा को कहते हैं किरण, और ऐसी धारा इकट्ठा हो गए तो कहते हैं ये प्रकाश का पूरा बीम ऑफ लाइट आ गया करके।
इकट्ठा आ गया तो वो एक तो वस्तु है ही नहीं, और अगर होती भी तो वो उससे भी सूक्ष्म है स्पिरिचुअल होने से, तो उसके अंदर से निकल जाता प्रकाश। सूक्ष्म मतलब छोटी, सूक्ष्मतर सूक्ष्म तो एकदम छोटे में छोटी है, हम कल्पना नहीं कर सकते इतना छोटा, अगर वस्तु हो तो। वस्तु तो है नहीं, लेकिन ये बात समझ में ना आती हो वस्तु नहीं मतलब क्या, तो ठीक है समझे वस्तु है लेकिन इतनी छोटी है कि इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। फिर उससे सब निकल जाए, छलनी, छलनी हम लोग वो कचरा निकालते हैं, वो गेहूँ आटा छानते हैं, चाय छानते हैं, तो उसमें से निकल जाता है जो छोटा छोटा, उससे निकल जो गाढ़ा गाढ़ा वो अड़क जाता है, बिकॉज इट इज दिस इज सो फाइन, इसमें से सब कुछ निकल जाता है, प्रकाश भी निकल जाता है, जड़ जो भी है, तो फिर ये चमके कैसे? इसलिए दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके जो तीन इंग्रेडिएंट्स है, सत चित आनंद, थ्री क्वालिटीज, थ्री द कंपोजिशन ऑफ थ्री फोल्ड कंपोजिशन, इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐसी वस्तु है आत्मा, पहली तो बात उसकी कि इसका कभी नाश नहीं होता। सत मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय इट। डिस्ट्रॉय भी करोगे तो वस्तु से करेंगे, शास्त्र से काटेंगे, तो दूसरे अध्याय में हमने किया था नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नहीं तो आग से जलाएंगे, नहीं तो पानी से गीला करेंगे अगर वस्तु। लेकिन ये सबों से सूक्ष्म है, इनमें से सब निकल, ये छलनी ऐसी है, इससे सब निकल जाए, ये किसी के पकड़ में ही ना आए, इसका विनाश हो ही नहीं सकता, परमानेंट है, एब्सोल्युटली परमानेंट है, अनादि पहले से बना हुआ है, अंत तक रहा। दैट्स नंबर वन, मैं संक्षिप्त में और जल्दी जल्दी में कह रहा हूँ इस इच्छा से कि आप इस पर विचार करें, बाद में ध्यान अगर होगा इसके पश्चात तो इसी बात पर ध्यान करो तो पक्का हो जाए। दूसरी इसका गुण है चेतन है, ये मतलब नॉलेज है, ये जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य जिधर भी जाए उधर प्रकाश हो, प्रकाश जिस पर भी पड़े वो चमक जाए और हमारे आँखों से देख पाए, ऐसा आत्मा का दूसरा स्वरूप क्या है? ये चैतन्यमय है, मतलब नॉलेज इट्सेल्फ, इट नोज, इन अदर वर्ड्स ये जानता है, जिधर नज़र डाले, जिधर जो भी सूंघे, जो भी खाए चखे, उक्की तो हड्डी मांस का है, ये जिह्वा जो है आँखें पुतली जो है, पुतलिया जो है, अंदर में जीवन है, लाइफ है, इसलिए जान रहे है ये मीठा है या कड़वा है, ये भद्दा गा रहा है या स्वर्णा गा रहा है, एक ऐसी बात ये जान रहे इसलिए क्योंकि जीवन है अंदर में, पावर कर रहा है कोई, जीवन दे रहा है। और वही मुर्दा अगर उधर ही पड़ा रहे वैसा का वैसा, फर्स्ट क्लास रखते हैं ना हम लोग फ्यूनरल को जाते हैं तो कैस्केट में रखते, कॉफिन में सूट बूट कोट सब लगा के बराबर टाई वाई पहना के एकदम ठीक ठाक कर देते हैं, लेकिन उनके सामने आए तो उनको पता नहीं, उनके वो तो पेड़ा रख देते इधर में, नहीं तो लो रख देते क्या, घी रख देते टालू पे, कुछ पता नहीं उनको, मीठा नहीं कुछ नहीं समझ पाते। अभी तो परसों के दिन मरने से पहले मांग रहे मीठा मांग रहे थे, और अभी तो मीठा इतना, अभी तो ये को इधर है वो किधर है, इससे बात कराओ उससे बात कराओ कह रहे थे, अभी तो 100-200 लोग इकट्ठा हो गए तो ध्यान भी नहीं, तो आँख वैसी की वैसी, कान जिह्वा सब वैसा का वैसा, लेकिन वो जो जानने वाला है चेतन आत्मा का जो दूसरा गुण वो निकल गया, इधर नहीं रहता। अब ये जो जड़ पदार्थ पड़ा है ऐसे का ऐसा इधर है ना, लकड़ी जैसा ऐसा का वैसा पड़ा है, सिद्ध पहला है इस, उसका विनाश नहीं होता, वो निकल गया, इस शरीर का विनाश हो रहा है तो वो निकल गया, उसका नहीं विनाश होगा, उसको नहीं रोक पाएगा, शरीर नहीं रोक पाएगा, कोई कुछ नहीं रोक पाएगा, निकल भी गया और जानता भी है हर समय, दिन हो रात हो, माई में हो, भाई में हो, पेड़ पौधे में हो, जानता है, नोअर, नोइंग। और तीसरा उसका स्वभाव है आनंदमय है, ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि उसका स्वभाव ही आनंद है। हम लोग ऑलवेज हैप्पी क्यों नहीं अनुभव करते हैं हमेशा? क्योंकि हमने अपना स्वभाव आनंद का नहीं मान रखा है। हम लोग कुछ मिलेगा तब आनंद मिलेगा, कोई कुछ कहेगा मतलब सुनाई देगा तो आनंद मिलेगा, कोई कुछ देगा हाथ में तो आनंद मिलेगा, आंखों से किसी को कुछ देखेंगे तो आनंद मिलेगा, किसी को आलिंगन दोगे तो मिलेगा, कुछ जिह्वा पे रखेंगे तो आनंद मिलेगा, क्योंकि हमने अपने आप को आनंद से अलग मान के रखा है, तो इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन है। लेकिन उसका स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, वो खुद ही आनंद है,
वो खुद ही अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो खुद ही जानकार है, खुद ही जाना ज्ञान है, कॉग्निशन है, कॉन्शियसनेस है, उसके सिवा कुछ जाना नहीं जा सकता, वो नहीं हो तो नहीं जान सकते, और वो जिधर हो वो खुद को उसको किसी को जानने की जरूरत नहीं, वो खुद ही जान ज्ञान है और आनंद स्वरूप है, उसको किसी वस्तु की प्रशंसा की, किसी भेंट की, गिफ्ट की, दान की, किधर जाने की, वेकेशन की, सोने की, जागने की, सत्संग सुनने की, नाम जप करने की, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी से और कुछ नहीं मिल सकता, वो छला छल आनंद से भरा, वो खुद ही आनंद है, और आनंद कहाँ से? तो सत चित्त आनंद, इसे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ एटम, मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द कॉस्मोस इन द यूनिवर्स, सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ बना है, कब का करोड़ों वर्ष पूर्व जो बना था, करोड़ों साल बाद जो बनेगा, और अभी जिधर किधर जो कुछ भी है वो इससे बना है, ये तो सिद्ध है बिल्कुल विज्ञान से, और उस ज्ञान से ही अभी रॉकेट उड़ रहा है, विमान उड़ रहा है, एयर कंडीशनिंग चल रहा है, सब जो हो रहा है फंडामेंटल यूनिट के ज्ञान से। ऐसे ही सत चित्त आनंद, ये तीन इंग्रेडिएंट्स है, आत्मा बना है। तो ये प्रश्न है, व्हाट इज आत्मा? वो हम सब वो है, तत् त्वम असि, दैट यू आर, तत् का मतलब दैट, त्वम इज यू, असि इज आर, अथवा अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। ब्रह्म इज द कलेक्शन ऑफ दोज एटॉमिक सोल्स, द सम टोटल, द एग्रीगेट, जैसे सारे प्रकाश किरणों का एग्रीगेट सूर्य है, सारी लहरों का एग्रीगेट सागर है, ऐसे सारे जीवात्माओं का एग्रीगेट ब्रह्म है। उससे मैं मिला हूँ, अगर कोई लहर कह दे कि हाँ मैं समुद्र से मिली हूँ इसलिए मैं ही समुद्र हूँ, लहर नाम की मैं वस्तु अलग नहीं हूँ, मेरी साम्यता है, एकता है, यूनिटी है, वननेस है समुद्र के साथ, सूर्य से लगी हुई किरण दिखाई दे रही है, वो कहे कि हाँ मैं सूर्य से ही जुड़ी हुई हूँ, सूर्य से जुड़ी नहीं होती तो इधर आ नहीं सकती थी। ऐसे जो जीव आत्मा ब्रह्म का सिद्धांत है अद्वैत वेदांत में, हर एक जीवात्मा ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए कहा हम ब्रह्मास्मि अथवा तत्वमसि दूसरे के लिए कहा। तो वास्तविक स्वरूप, इन रियालिटी, द ट्रूथ अबाउट अस, आवर रियल आइडेंटिटी, अपनी सच्ची पहचान यह है कि हम सच्चिदानंद का कण है, क्वांटिटेटिवली मे बी स्मॉल, क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल, मतलब मात्रा तो कम है, थोड़ी है, लेकिन 100% उसमें वही है जो भगवान में है, सच्चिदानंद। और उसमें कोई उसके उसके ओरिजिनल नेचर में सोल के कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन कंटेमिनेशन नहीं है, उसमें कोई भेसर नहीं है। तो फिर प्रश्न दूसरा जो था उसको जुड़ के कि तो फिर ये तो दिखाई नहीं देता, तो हम कैसे कहते हैं कि ये अच्छी, इनकी आत्मा बड़ी अच्छी है, इनकी आत्मा अच्छी नहीं है, ये जो कहते वो गलत गलत कहते, समझते नहीं है, और अपनी जीवा को उठा के जैसे लगे वैसा कहते थे, सोच के कहे तो ऐसा नहीं कहेंगे, इनकी ये अच्छे है ये बुरे है कह सकते हैं, लेकिन इनकी आत्मा अच्छी है इनकी आत्मा बुरी ऐसा नहीं कह सकते। वो आत्मा का उपयोग अच्छे विचारों के लिए, अच्छे कृति के लिए, अच्छे शब्दों के लिए कर रहा है, ये आत्मा का उपयोग बुरे विचार, बुरे शब्द, आचार विचार और उच्चार वाणी का, मनसा वाचा कर्मणा, मन से विचार, वाणी से उच्चार और तन से आचार, that same power is powering all actions of everyone, how we use it, how we choose to use it, what do we do with the power we are given, or what do we do with the power that we are rather not even given, determines, us par se nirbhar hai ki acche hai ya bure, atma to waisi ki waisi hai, oh deewar mein se electricity aa rahi hai, bijli aa rahi hai, तो अच्छा ये बड़ी अच्छी बिजली है क्योंकि ये ना ठंडी के दिनों में हमें गर्मी दे रही है, और ये क्या एयर कंडीशनिंग चला दिया, ये बुरी वाली बिजली है
ठंडी से मर रहे हैं और एयर कंडीशनर लगा दिया, ये तो ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छे है ना, रेफ्रिजरेटर गर्मी के दिनों में ठंडा पानी दे रहा है हमको, और ये गधा है, एकदम गुंडा है, इसको और गर्म कर रहा है पानी को, गैस पर वो ओवन पर रख दिया। तो वो ओवन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, हीटर, ये अच्छे बुरे नहीं है, वो बिजली अच्छी बुरी नहीं है उनमें से आने वाली, उनका उपकरण वैसा है, उनका पर्पस वैसा है। तो आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती, आत्मा अच्छी बुरी हो नहीं सकती। इनफैक्ट ये भी बहुत समय हो गया, इस पर जोर लगा के सोचना होगा, अभी नहीं समय इसमें वेस्ट नहीं करना है ऐसे ऐसी बातों में, इसको जोर लगा कर अट्टाहास से प्रयास पूर्वक बाकी काम छोड़ के, एकदम बेकार हो रहे बाकी सब काम, वैसे भी जो अच्छे में अच्छे हो रहे वो बेकार ही हो जाएंगे, उनमें से अच्छा नहीं, ये काम बहुत ही जरूरी है, हाई प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, इसको समझ लेना अपना स्वरूप। तो ये आत्मा अच्छा बुरा नहीं होता, हम अच्छे बुरे नहीं है, हमारे दुश्मन जो है इतना भला बुरा करते हैं, कहते हैं गॉसिप, स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट अस, निंदा करते रहते हैं, नुकसान करते हैं, वो बुरे नहीं है। और जो हमारे लिए दान देते हैं, हमारे हमेशा सोचते हैं, वो अच्छे नहीं है। आत्मा वैसी कोई संभव ही नहीं है, आत्मा अच्छी बुरी होना, बिकॉज आत्मा इज द एब्सोल्यूट रियलम, मतलब अंतिम छोर का है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वो, और वही आदि और अनादि से, अगेन माई वर्ड्स फॉल शॉर्ट बिकॉज यू वुड हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू कैन एक्सपीरियंस दिस इफ यू, इसको अगर कमिट करे, इसको ही प्रधान माने, इस साधना के पीछे अगर पड़ जाए तो यू कैन एक्सपीरियंस इट, और उसके बाद आपका भी वही अनुभव होगा कि आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, और ऐसे ही प्रयास तो होगा लेकिन अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे, लेकिन आप अपने आप में तृप्त रहोगे। आत्मा अच्छी बुरी नहीं हो सकती, फिर बिगड़ता कैसे काम, बुरा है कैसे हो गया। तो जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का जन्म हुआ, एकदम नन्हे बच्चे, अभी अभी जन्म हुआ, नर्सरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ, कोई बच्चा एकदम चिल्ला रहा है, कोई बच्चा शांत बैठा है, कोई बच्चा मुस्करा रहा है, और कोई बच्चे को बड़ा बुखार आ गया है, कोई बच्चे को कहीं वो ICU में लेके गए हैं। तो वो बच्चे में विकार जिस प्रकार है, डिफॉर्मिटी जैसी है, ट्विस्ट जैसे हो गया है, उसके अनुसार उसका वर्तन होगा ना। वो बच्चा कोई पहले से ठान के नहीं आया कि जैसे जब मैं राह देख रहा जन्मूंगा तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के इन लोगों को बेजार कर दूंगा, मैं मुसीबत में डाल दूंगा, और वो बच्चा पहले से ठान के नहीं आया कि बाहर निकलते इनको मैं ऐसा आनंद दूंगा, हंसना शुरू कर दूंगा। डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड द सर्कमस्टेंसेस एंड द मेकअप, उसके शरीर में अगर विकृति है, दर्द दे रहा है अथवा भूख का अनुभव हो रहा है तो चिल्लाएगा, उसके शरीर में विकृति नहीं है, सब ठीक ठाक है बराबर, और पेट में भूख भी नहीं है तो नहीं चिल्लाएगा। शरीर अगर माता के गर्भ से जन्म होते समय थका हुआ है, बहुत कष्ट से जन्म हुआ है तो सो जाएगा थक के, और अनायास सहज जन्म हुआ है तो फ्रेश एकदम इधर उधर टुकर टुकर देखेगा, हंसने लगेगा। तो इट डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, द सर्कमस्टेंसेस एंड द इंटरनल डिफॉर्मिटीज, कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, ये बच्चा क्यों शांत है। ऐसे ही वास्तव में जो गुंडा है, वास्तव में जो दुश्मन है, वास्तव में जो बुरा व्यक्ति हमें लग रहा है, इन ट्रूथ सत्य तो यह है कि वो बुरे नहीं है, उनमें कोई विकृति आ गई है, विकार आ गया, रोग लग गया है। जैसे शरीर, बच्चे के शरीर को रोग लग गया तो रोने लग गया, अथवा ICU में ले गए उसको, अलग रखा 8 दिन तक जो भी हुआ, क्योंकि इसके शरीर में कुछ रोग हो गया। ऐसे ही ये जो हम जिन्हें अपने शत्रु दुश्मन मानते हैं, उनके मन में कोई विकार आ गया, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, और देन वी द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम्स व्हाट आर दोज सर्कमस्टेंसेस, हाउ डू दे अफेक्ट अस। ये सारे प्रश्न तो पूछे नहीं है, लेकिन ये कतार लगी है। ओ जैसे कुत्ता बिल्ली रास्ते पर भारत में जाते दिखते, उसके पीछे 10-12-15 उसके पिल्लर भी जाते दिखते हैं, ऐसे एक प्रश्न पूछो तो उसके पीछे 10 प्रश्न और लगे रहते हैं, और वो भी प्रश्न भी पूछा तो आत्मा विषय एकदम धड़ाक से, तो उसके पीछे 100 प्रश्न आएंगी। तो अच्छे बुरे जो है उनके
बुरे जो है उनमें विकृति आ गई है, विकार आ गया है, कंकॉक्टेड हो गया, उनकी दृष्टि बदल गई, मिसअंडरस्टैंड कर गए, वो गलत फहमी हो गई, वो अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में अपने को कमज़ोर मान, इनसिक्योर जो होते हैं वही गुस्सा करते हैं, जो बड़े अपने आप को अनसेफ भयभीत होते हैं वो दूसरों पर क्रोध करते, दूसरों को डर लगाते हैं, वो टेररिस्ट जो होते हैं वो अंदर से बहुत खोखले होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, वो तो पहला अटैक कर देते, ऑफेंड कर देते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को ना मार दे, कहीं मैं कम ना हो जाओ, कहीं मेरे को ख़त्म ना कर दे, मेरे से चुरा ना ले, मेरा छीन ना ले, इसलिए दूसरों पर, क्योंकि अंदर में बहुत कमी महसूस कर रहे हैं, अंदर में बहुत उद्विग्न है, अंदर में बड़ा विकार चल रहा है, या तो क्रोध की अग्नि जल रही है अथवा भय की स्थिति है। और जो संत है, साधु पुरुष है, उनका मन शांत है, उनके मन में कोई विकार नहीं है, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, उनके मन में किसी से कुछ लेना नहीं है, बस जो भी है खाली देना है, किसी को चाहिए तो अपने ओर से। ये स्थिति तभी आती है उनकी जब वो ध्यान, वो समझ लेते कि मेरे पास इतना है, इतना है कि मैं अभी कोई देगा तो रख नहीं पाऊंगी, और इतना है कि मैं जन्म भर देते रहूंगी तो भी वो खत्म नहीं होगा, तो फिर लेना बंद हो गया उस माता का और देना शुरू हो गया अनलिमिटेड मात्रा में, इनफाइनाइट, देते रहे देते रहे देते रहे, लेने से लेने का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तो फिजिकल बात नहीं हो सकती। उस माँ ने जब अपने आत्मा का दर्शन कर लिया, अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, कैसे वो आनंद स्वरूप है, आनंदमयी माँ कहते, आनंद मूर्ति कहते, जब पता चल गया कि मैं ही आनंद हूँ, पगले वो आज तक आनंद आनंद के पीछे भीख मांगती थी, कोई मेरा सुन ले, मेरे को कह दे, मेरा शिष्य बन जाए, मेरा बड़प्पन कर दे, मेरे साइट पे क्लिक करे, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपनी मस्ती में है। सूर्य जब पता चल जाए कि ओ माय गॉड, आई एम लाइट, आई एम द सोर्स ऑफ लाइट, वो तो वो बिंदा चलता रहे सूर्य मंडल में या आकाश में, अंतरिक्ष में, इधर से उधर घूमता रहे, जिधर जाएगा उधर प्रकाश होगा, वो तो किसी से भीख नहीं मांगे, यार दिया जलाना यार पृथ्वी वालों, तुम दिए जलाओ, मेरी आरती करो, थोड़ा मेरे प्रकाश कम हो जाएगा तो मेरे तुम्हारा दिए, तुम्हारा प्रकाश मैं ले लूँगा तुम्हारे दिए का, नहीं उसको पता भी नहीं कौन दिया जला रहा है, कौन सा दिया जला रहा है, वो दिए में जो प्रकाश आ रहा है, वो लकड़ी जला रही है, घी जला रही है, वो सारा सोर्स ओरिजिनली उसी से आया हुआ उसको दे रहा है। समुद्र गंगा में गंगा का जल लेके हर गंगे करके गंगा को बहा दिया, तो गंगा को कोई जल कम नहीं हुआ और ज़्यादा नहीं हुआ, उसी का जल उसको मिला ऐसे। तो ऐसे जो अपनी महिमा में स्थित हो जाए, जो संत पुरुष हो, गुरु माँ हो, जो जैसे भी महापुरुष महाजन हो, उनका लेने का काम बंद हो जाता है, देने का काम शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं, उनकी आत्मा बड़ी अच्छी है, आत्मा बड़ी शुद्ध है, आत्मा सेम है, उसमें विकार हट गए, निर्विकारी पद में स्थित हो गए, निरंकारी जो होगा वही निर्विकारी होगा, अहंकार नहीं रहा, अपना छोटापना, अपना अलग, निरंकारी मतलब क्या, निरंकारी बाबा, निरंकारी मिशन, उसमें अपना छोटापन नहीं रहा कि ये लिमिटेड, ये मैं हूँ यार, मेरे लिए बचा के रखना, मेरे को देना, मेरा मत लेना, मेरा इतना रह जाए, मेरा कम ना हो, वो अपना अहंकार जो है, छोटापना, लिमिटेशंस जो है, लिमिटेड जो है, वो छूट गया, वो छूट गया तो क्या हो गया, सर्वव्याप्त हो गया, फिर लहर ने अपने आप को लहर मानना बंद कर दिया, तो फिर वो क्या हो गई, समुद्र हो गई, जल रूप से लहर मिट गई, लहर टूट गई, लहर गुम हो गई, लहर खो गई, लहर मर गई, लहर कहीं दिखाई नहीं दे रही, लहर का पूर्ण सत्यानाश, नुकसान हो गया। हाँ, लेकिन उसी क्षण उसी जगह पे संपूर्ण प्राप्ति हो गई, समुद्र प्राप्त हो गया, जाग गए तो सपना टूट गया, लेकिन अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया। ऐसे तो ये अपना स्वरूप हम शरीर में चमकता देखते हुए, जैसे चंद्रमा चमक रहा है बर्तन में, वो बर्तन हिल रहा है तो चंद्रमा नहीं हिल रहा है, मून की इमेज हिलती डुल रही है, वो तो उसको पानी को फेंकना, फेंकना फेंकना मत, फेंकना मत, फेंकना मत, वो चंद्रमा फेंक देंगे, मेरे को फेंक देंगे, नहीं चंद्रमा तुम तो ऐसे ऊपर बैठे हो, तुम तक कोई पानी नहीं पहुंच सकता, इधर का ऐसी अपनी स्थिति में हो,
ये तो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। पिछले बार अनुपा दीदी ने प्रश्न पूछा था सोल और रिफ्लेक्शन, इसको जो होता है, ये जो बातें कर रहा है, ये जो सुन रहे हैं, इसको जो होता है उसके अंदर जो वास्तविक अपन है उसको कुछ नहीं होता। इस सारे बर्तनों में जो चंद्रमा चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, इन्हें सबका पानी लेट दिया, फेंक दिया, बर्तन भी फोड़ दिया मिट्टी का, कुछ नहीं रहा, ना पानी रहा ना बर्तन रहा। तो भी उनमें जो चमक रहा था सूर्य अथवा चंद्रमा, उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसे इस मिट्टी के बर्तन में, ये मिट्टी का ही बना है, हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, इनमें जो आत्मा चमक रही है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसका स्पर्श नहीं हो सकता, उस तक नहीं एक यहाँ का कुछ पहुँच सकता, उसका नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए डरे नहीं, किसी बात से डरे नहीं। भगवद गीता की 16वें अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द भगवान कहते हैं अभयम, फियरलेस, फियरलेस बन जाए तो अपने वास्तविक स्वरूप में। तो संक्षिप्त, हाँ जी, जो अभी आपने बोला ना बिंब प्रतिबिंब का, तो ये जो आत्मा है ये बिंब है, आत्मा, करेक्ट, यस करेक्ट, आत्मा बिंब है। और हम अपने आप को जो कहते हैं, स्त्री है, पुरुष है, नाम रूप वाले, मेरा नाम ये है, मैं ऐसी हूँ, मेरा ये है, ये सारी उपाधियाँ जो है, लेयर्स जो हमने लग पहना दिए उसको, वो प्रतिबिंब है। तो अगर मैं कहूँ कि अनुपा रेखी को कुछ हो रहा है, वो अच्छी है, वो बुरी है, वो स्त्री है, वो पंजाबी है, वो अमेरिका में है, इंडियन है, ये मैं आपका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आप जो आत्मा है, ये मैं खाली आपके प्रतिबिंब का वर्णन कर रहा हूँ, जो सारा संसार मानता है ये अनुपा रेखी, पर वास्तविक में वो उसका कोई संबंध नहीं है, वो है ही नहीं। और नाम रख दिया उसका, ये नाम तो कुछ दूसरा रखते तो दूसरा हो जाता था नाम, कभी स्त्री है कभी पुरुष है। किसी सोने के बर्तन में सूरज चमक रहा है, मिट्टी के बर्तन में सूरज चमक रहा है, तांबे पीतल के प्लास्टिक के बोतल में सूरज चमक रहा है, तो सूर्य नहीं कुछ सोने का हुआ, प्लास्टिक का हुआ, तांबे का हुआ, अच्छा बुरा, कम ज़्यादा, अमीर गरीब, ये ब्लैक वाइट, ये सब सूर्य नहीं हुआ। जैसे अथवा सूर्य की किरण जो पड़ रही है उस पानी पर जो चमक रहा है, वो नहीं, वो किरण नहीं काली गोरी छोटी मोटी हुई, खाली दिखाई जैसे दे रहा है, डिपेंडिंग ऑन पात्र कितना है, वो स्थिर है या हिल रहा है, इस प्रकार से। सो यस, यू आर एग्जैक्टली राइट दीदी, आत्मा जो है तुम, जो तुम्हारी ओरिजिनल आत्मा, योर द रियल यू इज द बिम, इज द बिम्ब, मतलब द सोर्स, द ओरिजिनल। और प्रतिबिंब जो कहते हैं, रिफ्लेक्शन, इज द वन दैट यू आर, यू थिंक यू आर माई सन, माई डॉटर, मेरी बहू, मेरे समधी, ये प्रतिबिंब 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 प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, इनमें से कोई वास्तविक नहीं है। मिरर में देख के सबके सब, अगर पूरी फैमिली मिरर में खड़ी हो जाए, मिरर के आगे, वो उधर वाले जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं मिरर में, वो अपने जैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं अपन जैसा करे वैसा वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, उनमें अपनी ताकत नहीं है। वो मिरर टूट भी जाए तो इधर वाला नहीं टूटा, उस मिरर को लिपस्टिक लगा दे, इस इधर वाले को नहीं लगी, उसको कितना भी नुकसान करे, उसका अपमान करे, इसका नहीं हुआ, इधर वाले का। ऐसे ही हमारा वास्तविक स्वरूप का, सत्य चिदानंद स्वरूप का असंभव है नाश होना, जो भी है। हाँ भैया जी, तो भाई आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, यू जस्ट सेड यू नो आत्मा इज सत चित आनंद, लाइक द आत्मा द सोल इज ऑलवेज हैप्पी, तो फिर ये दुख और सुख क्यों आते हैं, क्यों महसूस होते हैं? यस, अगर हमारी आत्मा इज ऑलवेज हैप्पी, या Why do we get dukkh and sukh? Now that is a million dollar question. तो like I was saying, आत्मा का प्रश्न निकाला तो इसके साथ 100 प्रश्न और अलग आ जाते हैं। उससे से जुड़ा हुआ जो सेकेंड क्वेश्चन था कि अच्छी आत्मा बुरी आत्मा ऐसा क्यों अनुभव होता है, दुख सुख जो आते हैं वो गुणों के प्रभाव से आते हैं भैया। थोड़े इसके भी अलग अलग
छटाया है उत्तर। अभी हमारा जो 3 बजे सेशन शुरू होगा गीता योग का, वो 14वां अध्याय प्रारंभ होगा गुणत्रय विभाग योग करके। आई विल हाईली रेकमेंड दोज हू रियली वॉन्ट टू फुली अंडरस्टैंड द आंसर टू द क्वेश्चन, वो पी जाए उस 14वें अध्याय को भगवद गीता का 14th चैप्टर। वो कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, ऐसा 13वें अध्याय में 21वां श्लोक आता है, 13th चैप्टर 21st वर्स। भगवान कहते हैं कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु, कि हम जिसके साथ जैसे जैसे रहेंगे उसके साथ वैसा वैसा हमारा वो अपने आप को ऐसा समझने लग जाएंगे। आत्मा न्यूट्रल है, वो जैसे किसी माधवी जब बाल संस्कार चलाती है तो वो एक बच्चों से एक्टिविटी करा लेती है, 3 डिबिया, एक एक डिब्बी में कपूर, वो कपूर लगाते हैं ना आरती का, वो कपूर रखा होता है, एक डिब्बी में हींग, जो हम हींग की वो देते हैं, तड़का देते हैं, हींग रखा होता है, और किसी डिबिया में परफ्यूम रखा होता है, चंदन का अथवा जो भी, और वो तो शुरू में दिखा देती है और बाद में सब निकाल, सब सारा का सारा उतार दिया, अभी उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसको फिर से स्मेल करे तो वो हींग वाले डिब्बी का स्मेल हींग का आ रहा है, कपूर वाले डिब्बी का उसमें कपूर तो है नहीं, लेकिन पहले उसको संग था, उसका उसके साथ थी, उसमें वो था, परफ्यूम वाली खाली बोतल से भी परफ्यूम की सुगंध आती है। जैसे ऐसे जो हम आत्मा हैं, सत रज तम सात्विक राजसिक तामसिक, इन गुणों को जब हम स्थान देते हैं, इन गुणों से जब हम चिपक जाते हैं, इन गुणों को जब हम अपनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच गुण किसको हम अपनाते हैं उसके अनुसार ऐसे ऐसे योनियों में जन्म होता है, उसके अनुसार वैसे वैसे अनुभव होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। और फिर 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कौन से गुणों के संग से क्या लाभ होता है, क्या कैसा क्या क्या अनुभव होते हैं। तो भगवान कहते हैं राजसिक गुण से दुख की प्राप्ति होती है, सात्विक गुण के संग से शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तामसिक गुण के संग से निद्रा आलस्य अंधकार अज्ञान इन्हें की प्राप्ति होती है। तो ये जो प्राइमरीली जो सुख दुख का अनुभव होता है आत्मा को, वो होता है राजसिक गुणों के संग से, मतलब ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, मोर मोर मोर, डिफरेंट 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 का जो बचपन से वृत्ति पर चल पड़ी कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अलग चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा वो भी चाहिए, थोड़ा ऐसा भी हो, थोड़ा वैसा भी हो, ये जब जितनी जितनी वृत्तियों का संग हो गया तो फिर वैसे वैसे उसके अनुसार जब मिल जाएगा और तो सुख होगा, नहीं मिलेगा तो दुख होगा, जब बढ़ने लगेगा तो सुख होगा, कम होने लगेगा तो दुख होगा, जब डिफरेंट वेराइटी मिलेगी अलग अलग तो सुख होगा, वही वही सेम बोरिंग होगा तो दुख होगा। इन अदर वर्ड सिंप्लीफाई करके, हमारे मन के अनुसार होगा तो सुख होगा, मन के अनुसार नहीं होगा तो दुख होगा। तो ये मन की कामनाओं का प्रमाण है, का कारण है, जिनको कछुन चाहिए वो शाहन के शाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कछुन चाहिए सात्विकता में जो स्थित है सतोगुण में, वो शाहन के शाह, उनको फिर आनंद की प्राप्ति हुई, फिर न सुख न दुख, है ना, आनंद सुख से बहुत बड़ा है। हाँ भैया जीतू भाई, दिस इज भौतिक सुख एंड दुख, करेक्ट करेक्ट, दिस मेक सेंस, भौतिक सुख एंड दुख की मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हूँ, मिल गया तो मैं सुखी हूँ, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, actually this dukkh or sukh, okay, I don't know how to explain or describe, spiritual aap baat kare kya, like not even spiritual, like it's our paristhitiya, are you as humans, like dukkh agar kisi cheez kisi, like not because of kisi vastu, like you know that I don't have this item so I'm dukhi, like I'm not talking about that dukkh. ओके, यू नो आप हर किसी के जीवन में दुख किसी भी, लाइक माय फादर इज नॉट देयर सो एनीमोर, सो उस चीज का दुख
अगर मेरी आत्मा, as you said, is always सत चित आनंद, एंड उसी आत्मा, like in my body, that आत्मा is residing in my body. So if my आत्मा is always, you know, happy, then why do I get me, Salil, get दुख और सुख? Yeah, no, I think I'm following your question, a different angle, but I think I'm following your question, भाई. The primary असली बात कहते, because you have completely misidentified, एकदम उल्टा ज्ञान about yourself, 100%, 99% भी बराबर नहीं, 100% wrong misidentified हो गया. कि जैसे अभी आपने कहा कि माई आत्मा लिव्स इन माई बॉडी, इफ माई आत्मा इज आनंद देन वाई इज सलिल दुखी. सो ये एकदम उल्टा पैजामा पहन लिया, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर. द रियलिटी इज यू आर द आत्मा हु इज वेयरिंग दिस बॉडी. यू, आपको दुख नहीं होता. आपने जो झोला पहन रखा है सलील नाम का, उसको लगता है उसके जीवन में सुख दुख हो रहा है. यू आर पावरिंग दैट सलील. सो अभी सरफेस स्क्रैच नहीं हुआ, अभी आइडेंटिफिकेशन ही मिस आइडेंटिफाई हो गया. देखो, सारे दुखों का जड़ है, सारे दुखों का जड़ भैया मन में जो भी है, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर में जो हो गए, वस्तु को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के. वस्तु भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है, इसका दुख हो रहा है. सारे दुखों का जड़ है, सिंगुलर एक गांठ है, मिस आइडेंटिफिकेशन. जो नहीं है वो समझे, और जो है नहीं वो नहीं समझे, जिसको माया भी कहा है संस्कृत में. हम ये है जैसे सपने में, इसीलिए मैं बार बार उस उदाहरण को लेके आता हूँ कि सपने में जिसको इतना बुरा लग रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, इतनी दुख की परिस्थितियाँ आ रही है, उस समय उसको पता ही नहीं है 100% कि ऐसा नहीं है, तू ये नहीं है जिस पर ये बीत रही है, तू वो है जो इस सपने को और इन स्वप्न पात्रों को शक्ति दे रहा है, देखने, स्वप्न देखने की शक्ति जिसकी है उसमें. थोड़े समय के लिए खड़ा है सब, सारा का सारा वातावरण. ये जब सपना खत्म हो जाएगा, तो जब जाग जाएगा, जागृत हो जाएगा, तब ये सारा ऐसा कैसा चले जाएगा, तो हंस पड़ेगा. वही आदमी हंस पड़ता है, सपने में जो रो रहा था, दुखी था, पीड़ित था, मुसीबत में था, वही उसी को लेकर के हंस पड़ता है. अरे यार, ये क्या मजाक चल रही थी, ऐसी ऐसी ऐसा सपना देखा मैंने करके. ऐसे कैसे हुआ भैया, तुम तो उधर ही थे. वही आदमी सोया है, सलील ही सोया है, सलील ही दुखी पीड़ित है, और सलील ही जागा, और सलील ही अभी हंस रहा है उसी को लेकर के. क्योंकि वो निद्रा अवस्था में एकदम भ्रमित अवस्था थी, कंप्लीटली कंकॉक्टेड, 100% अनट्रू. लेकिन उस समय नहीं लग रहा था, वैसे पता नहीं चल रहा था, हाउ इज दैट, जग जागे नहीं थे तब तक. सारा प्रयास जो है, सारे जो सत्संग सुने, सारे ग्रंथ जो पढ़े, सारी माला जो जपी, सारी तीर्थ यात्रा, धाम, सतपुरुष, दान, जो भी श्रद्धा, पूजा, आरती किया, इस सब का एक फल जब मिल जाए, कि अपनी सच्ची पहचान हो जाए कि मैं ये नहीं हूँ, तो फिर, और उसका उत्तर मिले कि तो फिर मैं हूँ कौन. वो जो मैं कह रहा था मेरी आत्मा, मेरा वो, उसके उल्टा था, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ, ये मैं सांसें ले रहा हूँ, ये मेरी सांसें हैं, ना मैं अन्न खाने पीने वाला जड़ शरीर हूँ, अन्नमय कोश हूँ, ना मैं सांस ले रहा हूँ. जिसकी सांस बंद हो गई, वेंटिलेटर लगाया वो भी बंद हो गया, अब ले जाओ, वो सांस भी प्राणमय कोश भी नहीं हूँ. और ये बहुत विचार चल रहे, सोच रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ये खा रहा है, वो इंद्रिय अथवा मनोमय कोश भी नहीं हूँ. बड़े तर्क वितर्क से डिबेट करके बातों को, सच्चा झूठा, अच्छा बुरा डिस कर रहा है, बुद्धि वो विज्ञान में कोश भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. आई एम वेयरिंग ऑल दीज लेयर. जैसे ठंडी में हम पहला पहनते बनियान जो भी, उसके ऊपर वो थर्मल पहनते, उसके ऊपर फिर अपना शर्ट पहनते हैं, और उसके ऊपर फिर कोट पहनते हैं, और लगे तो बहुत ज़्यादा हो तो उसके ऊपर टोपी मफलर भी पहन लेते, 5 लेयर, ताकि अंदर वाला साबुत रहे, गर्म रहे. तो फिर एक एक जब उतार दिया घर से, ये कोट भी मैं नहीं हूँ, ये थर्मल भी नहीं हूँ, ये शर्ट भी नहीं हूँ, ऐसा करते करते अंदर में जो है. हाँ भैया, But Jitu bhai, then in this way, I don't know, like,
एम आई रनिंग अवे फ्रॉम दीज फैक्ट्स दैट अगर मैं ये बोलूँ कि ये मैं नहीं हूँ तो अगर इट्स काइंड ऑफ यू नो यू गॉट अ लाइफ सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सम हाउ आई आई कैन नॉट फुलफिल सो आई कैन जस्ट कवर इट अप कि ये तो मैं हूँ नहीं आई कैन नॉट यू नो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को दुख हो रहा है और इफ समबडी इज नॉट वेल एंड आई एम फीलिंग सैड I cannot ignore myself and say no. ये तो मैं हूँ नहीं. मुझे दुख नहीं है. मेरी आत्मा को कोई दुख नहीं हो सकता. सुंदर प्रश्न. Somehow I'm not, you know, getting into this. Yeah, नहीं नहीं, but I understand. Sorry, go ahead. God has given me this life, and I think Bhagwan Krishna ne bola ki karm kiye ja rahe. Karm, you have to do your karma, and you know, one of my karma could be that. You know, I may feel very happy or I may feel very sad. And so, you know, that is what I'm trying to understand. कि अगर मेरी आत्मा जो या मैं अभी आपने क्या बोला कि आत्मा मुझ में है या मैं हूँ आत्मा अगर वो always happy है तो why do I feel sad? Yeah, so you asked two questions. अभी जो प्रश्न पूछा है मेरी आत्मा अगर happy always है तो why do I feel sad? उसका उत्तर मैंने already दे दिया because you're misidentifying yourself. You are the real you. The real Atma is not sad, is incapable of sad. So you will have to work on identifying with that, which will start with this. Pilot chhodna padega. Jaise electricity lagi hai, plugged hai, aur kisi ka pair pad gaya tar pe, aur wo jhatka baith raha hai, usko electric se shock. To unplug karna padega pehle. उसके बाद उस ऐसे ही जो दुख के साथ संबंध हुआ है तम विद्या दुख संयोगात वियोग योग सन्नितम छठे अध्याय में श्लोक आता है ये सनिश्चय योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा निर्वाण पद इसको छोड़ दुख से संबंध अनप्लग करना पड़ेगा इन अदर वर्ड डिस आइडेंटिफाई करके अपने आत्मा के साथ री आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका एक ही इलाज है ध्यान थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान जैसे मैं कहता हूँ ध्यान के साथ बट रियली टू गेट टू योर मेन द मेन क्वेश्चन दैट यू आस्क दिस टाइम कि फिर कर्म का जो संबंध है मैंने कब कहा भैया कर्म ना करे उल्टा इनफैक्ट मैं उल्टा डंके की चोट पे बाजार में जाके ढोल बजा के कहूँ कर्म तो करना ही पड़ेगा भगवान कहते मैं मेरी तो छोड़ो मैं किस झाड़ की पत्ती भगवान खुद कहते हैं कर्म नहीं कश्चित क्षणमपि जातस्य कर्म कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएगा छठे अध्याय में परम योगी का लक्षण बताया सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः क्या आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन अर्जुन जो दूसरे के दुख में अपना दुख माने जो अपने के सुख दूसरे के सुख में अपना सुख माने जो दूसरे के साथ बीत रही है वो अपने साथ बीत रही है ऐसा अनुभव करे वो परम योगी है तो कृष्ण तो आपके साइड में है वो एग्जैक्टली वही करे जो आप कह रहे हो और तस्मात उत्तिष्ठ कौंते या युद्धाय कृत निश्चय चल भागे नहीं इधर वापस आ खड़ा रहे डट युद्ध करना पड़ेगा तेरे को भागे नहीं पाएगा तो ये सारी बातें संगत है आपके अलाइंड है जो आपका प्रश्न है उसके साथ एंड सो व्हाट दैट मीन्स इज आई कुड नॉट बी रेकमेंडिंग इट इज इम्पॉसिबल गीता का साधक कहे कि कर्म अकर्मण्य हो जाए कर्म न करे लेकिन वास्तविक ऐसे है कि आप एक वन और 2% भी इफेक्टिवली कर्म नहीं कर सकते जब उसके साथ जुड़े हुए हैं उस सुख दुख के साथ सच्चा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर्म वही कर सकता है जो डिटैच्ड है जो अपने आप को उससे थोड़ा अलग कर सकता है जो उसके साथ खुद भी बह जाए जिसको बचाना है वो बह रहा है वो भी उसके साथ बह जाए उसको अपना आधार न हो सॉलिड ग्राउंडेड न हो सॉलिडली तो वो उसके साथ वो भी बह जाएगा है ना दोनों भी तो अपना जो सॉलिड ग्राउंडिंग है आत्मा में प्रतिष्ठित जो है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस आई डोंट डाई मेरे को कोई जला नहीं सकता काट नहीं सकता आई डोंट बिकम सैड आई कैन नॉट बिकम सैड आई डू नॉट आई एम इनकेपेबल ऑफ बिकमिंग सैड ये जिसका पक्का निश्चय होगा अनुभव होगा वही दूसरे को सच्ची सांत्वना दे पाएगा वो फिर तो जाके एक क्षण नहीं जीवन बिताएगा दूसरों के साथ होना दिए बिना ये जीवन का मकसद ही बनेगा पर्पस ही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे आनंद दे कैसा संभाले कैसे बचाए
So it's not, I'll come, Arun bhai, if you realize your life is 100%, I'll come to that in a moment. Let me just finish this. So, Salil bhaiya, in fact, when you realize yourself, when you realize your true self, when you realize apne, apna vastavik swarup, to aapko jaisi kalpana kare, uske ulta hota hai. Phir itna karm kiya jata hai, itna first class hota hai, aur itna avirat, steady stream of loving performance of tasks, completely unselfish, completely unexpecting, completely judgment-free, only set in giving, only intending to bring joy, lekin khud nahi uske saath dukhi hota. In fact, didi Vinod ji ne prashna pucha tha pichle baar ki, aur jeevan ka maksad kya hai? Hum bhakti, humko bhagwan ne jeevan diya hai, to uski bhakti kare. इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है, ऐसा प्रश्न था पिछली बार. वी हैड आंसर्ड इट, बट जस्ट टू रिमाइंड यू, यस दैट इज ट्रू. इसके अलावा इससे ज़्यादा और करें, फिर दूसरों को से दूसरों को आनंद दिलाए. उपनिषदों का मैंने कोट किया था, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च. स्वामी विवेकानंद उसका उदाहरण है. पहले अपना मोक्ष प्राप्त करे, पहले अपनी छुट्टी कराए और फिर दूसरों को छोड़ाए. किसी ने जेल में बंद कर दिया जबरदस्ती, तो युक्ति से चाबी खोल के खुद बाहर निकले और फिर सबको खोले. ऐसा नहीं कि आत्मा का अनुभव हो गया, अपनी छुट्टी करा दी, भाग जाए, अकेला जाके हिमालय की गुहा में बैठ जाए. नहीं, उधर ही डटे रहे और एक एक को निकाले उसमें से बाहर, जितने निकाल सके. वो शिंडलर्स लिस्ट नाम का मूवी अगर देखा होगा हिटलर के समय का, जो है अपने पास जितना है जैसा उससे उकरे, लेकिन खुद फिर से नहीं फंसे. बुद्धिमानी ये हो, बुद्धू ना रहे कि दूसरों को प्रिजन से छुड़ाने में गलती से खुद फिर से अंदर जाके फंस गए. अब दूसरों पे मोहताज हो गए, दूसरों को छुड़ाना पड़ेगा, अपन खुद दुखी हो गए, खुद रो रहे. ऐसा कभी ना हो. इसलिए फिर आत्मा की पहचान से अपने आप ही वैसा ही होता है. जिसके आत्मा की पहचान हुई, हो ही नहीं सकता. अगर आत्मा में दम है, भगवान में सामर्थ्य है, ये बात सचमुच में सत्य है, तो ये इट डज द जॉब इटसेल्फ. इसको और किसी का सहारे की आवश्यकता नहीं होती. सो सलील भाई, आई विल कम बैक टू यू अगेन. अरुण भाई इज सेइंग, इफ यू रियलाइज योर लाइफ इज 100% योर रिस्पांसिबिलिटी, देर इज नो रूम फॉर बीइंग रिजेंटफुल टुवर्ड्स एनीवन. देयर वी गो. आई मीन, व्हाट, हाउ बेटर कैन आई. That was for Salil when he said, what if I say, you know, hey, this is not me, and then I can just shirk all my responsibilities. This was more like, you have to realize that it is, everything is your responsibility, not just you, your family, but everything in the universe is your responsibility, pretty much. So well said, could not agree more, spot on hai. Bhaiya, baat sach ye hai, there is a single system, entity, jisko Bhagawan kahe, Prakruti kahe, Srishti kahe, Paramatma kahe, jo naam se kehna kahe, there is one single system. We are all components of that system. We are all parts of that same system. ये उंगली को लगा तो ये उंगली कहे मेरे, इधर वाली उंगली के मेरा क्या करना है, मेरा क्या लेना है, चल खड्डे में जाए तो उसको कुछ भी हो. नहीं, लेकिन जो अनुभव करने वाला है, ये जो सलील अंदर में बैठा है, वो वही इस उंगली का भी अनुभव कर रहा है, वही इस हाथ का अनुभव कर रहा है. हाथ को चोट नहीं आई, पैर को चोट आई तो हाथ खुश हो भी जाए, चलो अपने गुरु का कुछ नहीं हुआ, अपने धर्म में कुछ नहीं हुआ, अपने देश में कुछ नहीं हुआ, अपने मौक काम में, अपने मुल्क में, अपने नेबरहुड में, अपने परिवार में, अपने शरीर में कुछ नहीं हुआ, अपना क्या करना है. वो टांग कट गई, फ्रैक्चर हो गया, अपना हाथ तो ठीक ठाक है, ये तो अहंकार से, लिमिटेड व्यू से, बुद्धूपने से करे. लेकिन भैया, जो एक्चुअल हाथों में है, रग रग में जो है, उंगली उंगली में है, नाखून नाखून में है, हर एक बाल में है, वही उस पैर में जो टूट गई, जिस टांग कट गई, तो अनुभव करने वाला एक ही है. वो तो सलील में भी वो है, संचित में भी वही है. अनुभव करने वाला एक ही है. हम अलग, इधर वाला हाथ, उधर वाला हाथ, ये पैर, वो पैर, ये उंगली, वो उंगली, अपने आप को लिमिटेड समझ रहे. देयर इज ए सिंगल सिस्टम, सिंगल परमात्मा, सिंगल गॉड, वन पर ब्रह्म हु इज एक्सपीरियंसिंग. और हमारा कर्तव्य है कि हम उसके साथ अलाइन हो जाए. ये हाथ समझ ले कि मेरे अपने हाथ अलग का कोई महत्व नहीं है. मेरा महत्व जब मैं जुड़ा हूँ, जुड़ने का नाम योग, जब मैं संपूर्ण से जब जुड़ा हूँ, पूर्ण मदह पूर्ण मिथन, तब कोई मतलब है मेरा. अदरवाइज का कोई
इंडिविजुअल इसकी इसमें कोई अलग अपनी जान नहीं है, सारी जान जो है इस चेतना जो है वो जो सबों को जो चला रहा है, सारे शरीर को जो चला रहा है उसकी चेतना सब में। तो जैसे अभी कोट सदगुरु की हमने सुनी, वो कर्तव्य है ही है बिल्कुल, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास अगर करना हो, डट कर करना हो, फियरलेस अगर होकर करना हो, आनंद से करना हो, दुख की परिस्थिति में भी समस्थित रहना हो, सचमुच में किसी की मदद हो ऐसा करना हो, नहीं तो खुद भी रो पड़े, खुद को भी नुकसान लग गया तो उनको अपन सांत्वना देने से अपने को उनको सांत्वना देनी पड़े, ये करना हो तो अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बेनिफिशियल बात यह है, बड़ी से कहे तो द गुड थिंग इज दैट इज द ट्रूथ, वी डोंट हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम एनीवेयर, वी डोंट हैव टू डू एनी साधना, वी डोंट हैव टू डू ये करे वो करे, ऐसा खाए ये न खाए, ये मंत्र जाप करे इनका वो पढ़े, ये किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो एक्चुअली है तो उसको क्या फिर सत सांच को आँच गया, सत्य के हाथ कंगन को आँच गया, ये है देख ले इधर है, अगर वो है, अगर मैं आत्मा हूँ तो बस मेरे को इतना ही पुरुषार्थ करना है कि अंदर जाके अपनी पहचान करनी है, उसके लिए करना होगा जो अपनी आज तक की जो पहचान है, संचित चंटा जित्तू जोधपुर का अरुण रिखी, ये पहचान को थोड़े समय के लिए बाजू हटाना होगा कि मेरा नाम यह है, मैं पुरुष शरीर पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ अथवा सिख हूँ, पंजाबी ईसाई जो भी हूँ, अथवा भारतीय हूँ अमरीकी हूँ, सब उपाधियों को छोड़ना होगा, ध्यान में पूछना फिर है कौन मैं, अगर मैं इंडियन नहीं हूँ, अमेरिकन नहीं हूँ, मैन नहीं हूँ, वुमन नहीं हूँ, बॉडी नहीं हूँ, तो फिर हूँ कौन, इसके पीछे पढ़ना होगा। तो अंदर अंदर जा कर के एक एक लेयर्स को हटाना होगा सच में देखने के लिए, टॉप कोट निकालना होगा, जैकेट निकालना होगा, शर्ट निकालना होगा, थर्मल निकालना होगा, बनियन निकालना होगा, और आईने के सामने खड़ा होना होगा कि रियल यू को देखना होगा। तो ऐसे ये लहरें पत्रे परते अंदर की निकालनी होगी, अंदर के कोश जो है वो, तो बिल्कुल संभव है भैया, एकदम ही निराश ना हो, एकदम ही डिसअपॉइंट ना हो, एकदम ही ये ना समझे गलती से, ये गलती मत करना कि अपने लिए संभव नहीं है, ये दूसरों के लिए बड़ों के लिए, अभी तो हमें बहुत पाप काटने हैं बहुत, ये कभी कभी गलती मत करना, ये बिल्कुल इस जन्म में संभव है, इस शरीर में संभव है, जितनी जितनी क्लैरिटी आएगी उतनी उतनी उसके लिए। आई नो माई टाइम इज़ अप, सो विल स्टॉप हियर, वी कैन पिक अप फ्रॉम हियर, अगर आपको ये पसंद है तो वी कैन कंटिन्यू द क्यू एंड ए। प्रतिबिंब का अपना अस्तित्व ही नहीं है, राइट, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, बिंब है इसलिए प्रतिबिंब है, बिकॉज जो हमारे अंदर दुख वगैरह आ रहा है ये सब प्रतिबिंब के कारण हो रहा है। अभी अपने आप, हम अपने आप को प्रतिबिंब जो है वो हम समझ रहे हैं, इसलिए मतलब कैसे है वो मटके में बर्तन में जो हिल रहा है, वो उबल रहा है पानी, तो हम लोग सोचे चंद्रमा उबल रहा है, चंद्रमा गर्म हो रहा है, चांद ठंडा हो रहा है, चांद का नुकसान हो जाएगा, टोड़े टूट जाएगा, मटका टूट जाएगा तो चांद टूट जाएगा, इसको हम मटके को अपने शरीर को और शरीर के अंदर जो पानी भरा है उसको ही अपन समझ लिया है, और उसमें जो चमक रहे कह रहे हाँ बस यही मैं हूँ यही मैं हूँ, अगर वो समझे तो फिर दुख से छुट्टी ही नहीं है, वो स्थिर रहने ही वाला नहीं, वो फूटेगा ही एक ना एक दिन, वो नहीं तो पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप इट। लेकिन प्रतिबिंब का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, मेक बिलीव थोड़े समय के लिए, इट्स रिफ्लेक्शन, द ओरिजिनल एंड द सोर्स एंड द ओनली वन दैट एग्जिस्ट इज द बिंब द सोर्स, और वो बिंब हमारे अंदर है, मतलब वो बिंब हम है, टू से इट मोर करेक्टली हम वो बिंब है, लेकिन हमने अपने आप को प्रतिबिंब समझ लिया, इसलिए फिर उसको डर लगता है कि अरे ये लकड़ी लेके खड़ा कहीं फोड़ ना दे मेरे को, बह जाऊंगी मर जाऊंगी, डर लग रहा है, लेकिन वो बिंब को काहे का डर है, कौन सी लकड़ी का डर है, उधर तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता, ये मड़के में नहीं तो उस मड़के में चमकेगा, किसी कोई मटका नहीं है तो नहीं चमकेगा, तो मर नहीं जाएगा उधर का, उसको तो पता भी नहीं है,
किधर चमकना है नहीं चमकना है, ऐसा ऐसे हमारा वास्तविक स्वरूप अभयम सत्व संशुद्धिर है, लाइक आई सेड इन द 16th चैप्टर बिगिनिंग, शुद्ध है. तो ये जो आई फील अनफुलफिल्ड इन नॉट हैविंग थरोली आंसर्ड सलील भाईज क्वेश्चन, सो मे बी यू कैन पिक अप नेक्स्ट टाइम कि गुणों से ऐसा क्यों गड़बड़ क्या हो गई, फिर हमारे साथ क्यों दुख होने लग गया. वो जो सात्विकता तमस का त, रजस का र और सत्व का स की बात कही थी मैंने एक बार, त र स, ये तीन गुणों में तरस रहे हैं हम जीवन भर, तरस रहे तरस रहे तरस रहे, तमस रजस सत्व सत्व, तमस रजस सत्व, कभी अच्छा कभी बुरा कभी मिक्स, कैसा वैसा, इनसे गुणातीत होना है, इनसे ऊपर उठना है, तीनों से छूटना है, आत्मा को गुण तक गुण नहीं पहुँचते. इधर कितनी भी हीट जलाई, कितने भी बर्फ ला के रखा, उधर तक नहीं पहुँचेगा. जैसे सो वो पिकअप देयर वंडरफुल वाइब्रंट कन्वर्सेशन, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई अप्रिशिएट इट, एंड इस पर ध्यान करें हो सके तो, एंड देन वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम. जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, थैंक यू.